नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल बी ओवरसीज। दोस्तों अभी हमारे पास में जो रिक्वायरमेंट है वो दुबई के लिए है, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट है। इसमें अगले महीने फ्लाई होगा और ये रिक्वायरमेंट है विजिट टू एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। पहले विजिट वीज़ा होगा उससे एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होगा। जनरली हम लोग विजिट वीज़ा सजेस्ट नहीं करते हैं, बट जहाँ पर क्लाइंट पोटेंशियल हो, प्रोसेस जेन्युइन हो, ऑथेंटिक हो, वहाँ पर हम विजिट वीज़ा के लिए प्रोसेस करते हैं। दोस्तों इसमें रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट रहेगी अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट है, जिसमें सैलरी होगी 2500 से 3500 दिरहम के बीच में। सैलरी 2500 से 3500 दिरहम के बीच में होगी। सीए की रिक्वायरमेंट है, जिसमें सैलरी होगी 2500 से 3500। इन दोनों प्रोफाइल में मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। उनको अगर बाहर का एक्सपीरियंस नहीं होगा, इंडियन एक्सपीरियंस होगा तो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको अपने फील्ड में एक्सपीरियंस होना कंपलसरी है, क्योंकि इंटरव्यू में उनको इंटरव्यू क्रैक करना होगा तो उनके नॉलेज के बारे में जो पूछा जाएगा उनको बताना होगा। सिर्फ अकाउंटिंग का बुकिश नॉलेज होगा तो नहीं होगा, उनको एक्चुअल नॉलेज होना चाहिए कि अकाउंटिंग कैसे होती है। सीए का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। सिविल इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है, जिसमें सैलरी होगी 2500 से 3500 दिरहम के बीच में। सिविल इंजीनियर 2500 से 3500 के बीच में सैलरी होगी, और इसमें इंडियन एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं और गल्फ एक्सपीरियंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी उनके नॉलेज के ऊपर डिसाइड की जाएगी। सेल्स गर्ल्स और सेल्स बॉय दोनों की रिक्वायरमेंट है। सैलरी 1500 दिरहम से लेकर 2500 दिरहम तक के बीच में होगी। सैलरी उनकी योग्यता, उनके परफॉर्मेंस के ऊपर डिसाइड की जाएगी, और उसमें इंडियन एक्सपीरियंस वाले लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। स्टोरकीपर की रिक्वायरमेंट है, सैलरी 1200 से 1800 दिरहम होगी। स्टोरकीपर की रिक्वायरमेंट सैलरी 1200 से 1800 दिरहम होगी। इसमें इंडियन एक्सपीरियंस, गल्फ एक्सपीरियंस दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मॉल हेल्पर की हेल्प रिक्वायरमेंट है, सैलरी 850 से लेकर 1200 दिरहम होगी। 850 से 1200 दिरहम डिपेंड करता है उनका एक्सपीरियंस, परफॉर्मेंस और जो भी नॉलेज है उसके हिसाब से। किचन हेल्पर की रिक्वायरमेंट है, सैलरी 1000 से लेकर 1500 दिरहम होगी। इसमें जो रिटर्न होंगे वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जो गल्फ एक्सपीरियंस, जो इंडियन एक्सपीरियंस वाले हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बेबीसीटर की रिक्वायरमेंट है, सैलरी होगी 1200 से 1500 दिरहम के बीच में। दोस्तों ये जो सैलरी है वो बेसिक ड्यूटी के लिए रहेगी, जिसकी ड्यूटी आवर्स होंगे 9 आवर्स। 9 आवर्स में कुछ जगह 9 आवर्स प्लस ब्रेक होता है, कुछ जगह 9 आवर्स इंक्लूडिंग ब्रेक होता है। सो वो टाइमिंग एक बार कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, कहीं पर 9 घंटे की ड्यूटी पड़ती है, कहीं 10 घंटे की ड्यूटी पड़ती है। सो वो चीज़ हम अभी इसमें अभी कंफर्म नहीं कर सकते, वो जिस कंपनी में ज्वाइनिंग होगी उसके हिसाब से रहेगा। कंपनी अलग अलग होती हैं और प्रोसेसिंग का जो टाइम रहता है ये 1 मंथ के अंदर, मतलब अप्रैल महीने के अंदर फ्लाई होगा, और उनका जो ज्वाइनिंग होगा, ज्वाइनिंग वहाँ पहुँचने के विद इन 7 to 10 days के अंदर ज्वाइनिंग हो जाएगा, और उनका वीज़ा जो कन्वर्जन होगा, वीज़ा उनका विद इन 3 weeks आफ्टर ज्वाइनिंग के 3 हफ्ते के अंदर उनका वीज़ा प्रोसेसिंग हो जाएगा। दोस्तों रिक्वायरमेंट काफ़ी अच्छी है, और इसमें काफ़ी लोग हैं जो इंक्वायरी करते रहते हैं अकाउंटिंग के लिए, सेल्समैन के लिए या फिर स्टोरकीपर के लिए, उन लोगों के लिए वैकेंसी काफ़ी अच्छी है। अगर आप या आपके दोस्तों में कोई इंटरेस्टेड है, आप वीडियो उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसमें सैलरी के साथ में कैंडिडेट को फूड, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट भी मिलेगा, और ये 2 साल का वर्क परमिट लगेगा। 2 साल के बाद उनको एक्सटेंड करना होगा, तो ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग विद एम्प्लॉयर दोनों की तरफ से बात करके इसमें एक्सटेंशन हो सकता है। दोस्तों ये रिक्वायरमेंट की जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी लगभग 10 से 15 हज़ार प्रोफाइल की रिक्वायरमेंट है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे ऑफिस विजिट कीजिए, अपना पासपोर्ट लेके, डॉक्यूमेंट लेके, फोटो लेके ऑफिस विजिट कीजिए, और इसमें जो प्रोसेसिंग रहेगा, प्रोसेसिंग अभी से डॉक्यूमेंट सबमिशन हो जाएगा और 1 अप्रैल के बाद से वीज़ा इशू हो जाएगा। तो जो लोग भी इसमें अप्लाई करना चाहते हैं उनको हम इमीडिएटली प्रोसेस कर सकते हैं। अगले महीने इनका फ्लाई होगा। फ्लाई के लिए विजिट टू एम्प्लॉयमेंट वीजा है, तो हमारी टीम से कोई भी एक पर्सन इसमें फ्लाई करेंगे, ठीक है। और जो कैंडिडेट हैं, 15 से 20 लोग का हम बैच बनाने वाले हैं, उन 15 से 20 लोगों के साथ में हम लोग फ्लाई करेंगे, और वहाँ पर उनका काम कम्प्लीट कराने के बाद, जब उनका काम कम्प्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग वापस आ जाएंगे। दोस्तों रिक्वायरमेंट काफ़ी अच्छी है, क्वान्टिटी काफ़ी अच्छी है, सैलरी भी काफ़ी अच्छी है, और जो प्रोसेस है वो काफ़ी ऑथेंटिक रहेगा। जनरली हम लोग विजिट टू एम्प्लॉयमेंट वीजा सजेस्ट नहीं करते, 95% नहीं करते, 5% तभी करते हैं जब हमें लगता है कि ये प्रोफाइल अच्छी है, यहाँ पर काम बराबर होगा। इसलिए ये वीडियो को आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, आप इंटरेस्टेड तो ऑफिस विजिट कीजिए। दोस्तों कॉलिंग के लिए टाइमिंग दिया जाता है ना 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक, तो आप लोग प्लीज़ जो ऑफिस टाइम है उसमें कॉल कीजिए। कई बार ऐसा होता है कुछ लोग ऑफिस टाइम के बाद कॉल करते हैं, जो जब भी वीडियो देखता है तब कॉल करते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऑफिस टाइम देख के ही कॉल करें, और अगर ऑफिस टाइम के बाद की बात है तो आप मुझे टेक्स्ट मैसेज कीजिए, आपको हमारी तरफ से कॉल बैक ज़रूर आएगा। दोस्तों
ये जो टाइमिंग है, टाइमिंग से प्रोसेस को काफ़ी स्मूथ किया जाता है, सरल किया जा सकता है। इसमें हम हमेशा कोशिश करते हैं कि कैंडिडेट को प्रॉपर तरीके से जो भी इंक्वायरी जा रही हैं उनको प्रॉपर समय देके इंक्वायरी सॉल्व की जाए, लेकिन टाइमिंग को ध्यान में रखना ज़रूरी है। और अगर हॉलीडे के दिन कॉल करेंगे तो चांसेस होंगे कॉल आंसर होगा या नहीं भी हो सकता है, इसलिए आप वर्किंग आवर्स में, वर्किंग डेज में कॉल करें। दोस्तों डॉक्यूमेंट्स में आप अपने पासपोर्ट फोटो, रिज्यूमे, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेकर ऑफिस में विजिट करें। इसमें डॉक्यूमेंट भेजने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इसमें विजिट टू अप्लाई वीजा आप ऑफिस में आएंगे, पर्सनली मिलेंगे, प्रोसेस समझेंगे, उसके बाद ही हम किसी को आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर आप किसी दूसरी सिटी से हैं आप डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं, लेकिन आपको ऑफिस तो आना ही होगा, कंपलसरी है। दोस्तों इसमें जो कॉन्टैक्ट डिटेल है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की जाएगी, ऑफिस एड्रेस भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि और घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएँ, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।